और अभी मैं पटना से बिहार जाने वाली बस के अंदर बैठा हूँ और बहुत ही ज़्यादा जाम है। और अभी बिहार पहुँचने भी फाइनली दो घंटे के बाद मैं पहुँचा हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और अभी यहाँ पे से मेरा भाई आएगा और रिसीव करेगा हम लोग। और अभी हम बिहार शरीफ के 17 नंबर में हैं। 17 नंबर इसका नाम है और बड़ी पहाड़ी भी इसको कह सकते हैं। इसका ब्लॉग आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसका ब्लॉग डाला था, तो आप यहाँ पे दूर में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है, मैं जहाँ अभी रुका हूँ भाई, मैं बस से आ रहा था, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम है, कितना ज़्यादा रस है। जाम की वजह से मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, तो जाम की वजह से मैं रुका था। और मैं अपने भाई को कॉल के बोला कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, वहीं पे रुको, तो मैं ऑल फैमिली यहीं पे रुका हूँ और वो गाड़ी लेके आ रहा है। और यहाँ पे एक मामू भगना के नाम से एक पहाड़ फेमस है, एक मामू और एक भगना। तो ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही अभी फिलहाल, और अभी रास्ते में और मैं भी बहुत थक गया हूँ, और घर जा करके मैं आप लोग से बात करता हूँ। I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. क्योंकि हर कुछ लोगों को इच्छा होती है कि अगर जिस जगह पे जा रहे घूमने के लिए, तो वो आखिर क्या है, किस चीज़ कैसे, उसका हिस्ट्री क्या है। अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो मैं अभी बता रहा हूँ हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा सकते हैं आगे, और आगे वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो माँ शीतला का मंदिर है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण जो है उसमें इनका वर्णन मिलता है माँ शीतला का। प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर जो थे, उनकी जो पत्नी सती का जो मृत शरीर, मतलब मरा हुआ जो शरीर था, उसको लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे। वो जितना पता है मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित करने के लिए कहा गया था। जहाँ जहाँ सती का जो शरीर खंडित होकर गिरा था ना, तो उसको शक्ति पीठ माना जाता है। और कहा जाता है ना कि भगवान शंकर अपने कंधे पर सती के शरीर के चिपका हुआ जो अवशेष था उसको एक घड़े में रखकर बिहार शरीफ के पंचाने नदी का, अगर आप सुनते होंगे बिहार शरीफ से होंगे तो पश्चिमी तट पर धरती में छुपाकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और अंतर्ध्यान होने के बाद उसी गांव के एक राजा के मन सपने में वो बात आई, बस माता ने स्वप्न में पंचाने नदी की जमीन में दबे होने की बात बताई, मतलब माता सपने में बताई आकर के। और राजा अपने आदेश दिया अपने नौकरों को कि वहाँ पे ज़मीन खोदो, और वहाँ से सच में एक प्रतिमा मिली माँ की, और उसके बाद ये जो मंदिर है बनाया गया था, जो आज मघड़ा गांव में माँ शीतला मंदिर से बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, जो अभी मैं आप देख रहे हैं मेरे सामने आप देख रहे हैं। और जिस दिन मूर्ति मिली थी ना, उस दिन सप्तमी थी, शायद चैत का कृष्ण पक्ष का सप्तमी था, तो माता की मूर्ति अष्टमी के दिन यहाँ पे स्थापना करवाई गई थी। और उसी समय से मघड़ा में मेला का शुरुआत हुआ, जो अभी आप लोग इंजॉय कर रहे हैं और करेंगे। और जहाँ पे खुदाई हुआ था वहाँ पे एक कुआं का रूप ले लिया, जो आप आजकल यहाँ पे माता शीतला मंदिर से कुछ ही दूरी पर, अगर आप आगे जाते हैं तो मिट्टी कुआं के नाम से वो भी फेमस है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कुआं का पानी आज तक सूखा नहीं है। श्रद्धालुगण जो भी आते हैं इस माँ की पूजा करने के बाद उस मिट्टी कुआं के पास जाकर पूजा जरूर करते हैं। और दोस्तों एक बार और बता दूं कि बताया जाता है कि मघड़ा गांव में जो स्थित माँ शीतला का मंदिर है, ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिन में दीपक नहीं जलता है, धूप फुमाद और अगरबत्ती जलाना भी मना है। भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद ही मंदिर में आरती उतारी जाती है और हवन होता है। और एक बात और कि कहा जाता है कि माता शीतला के शरीर में बहुत ही जलन, जिसको लहर बोलते हैं, वो रहता है, इसलिए मंदिर में दीपक धूप या हवन करना वर्जित मना रहता है। मतलब आप धूप अगरबत्ती ये सब आप नहीं कर सकते हैं। माता को जलन से राहत मिले इसलिए हर दिन सुबह में उन्हें दही और चीनी से उन्हें स्नान कराया जाता है। और जब सूर्यास्त होता है ना, तो सबसे पहले मंदिर के पुजारी दीपक जलाकर आरती उतारते हैं, और फिर उसके बाद ही दीपक और धूप जलाते हैं और माता शीतला की पूजा अर्चना करते हैं, और श्रद्धालु लोग भी पूजा करते हैं। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो गर्भगृह जो अंदर में है, वो काले पत्थर की 12 इंच की लंबी माँ शीतला की प्रतिमा स्थापित है। 12 इंच की वो जो स्थापित है प्रतिमा, उसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा, अंदर नहीं जा पाया था तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। प्रतिमा के मुकुट के ऊपर 9 रेखाएँ हैं जो 9 देवियों के प्रतीक हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात किया गया,
तो उन्होंने बताया कि चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन बस्यौरा मनाने की परंपरा चली आ रही है बहुत काफ़ी दिनों से। इस कारण मघड़ा पचौड़ी राणा बिगहा जोरारपुर बियाबानी जमील कच कथौली समेत आसपास के कई गाँव में चूल्हे नहीं जलते हैं। इस दिन इन गाँवों में एक दिन पूर्व शाम में ही खाना बना लिया जाता है। अष्टमी के दिन रात में लोग बनाए खाने को ही बस्यौरा मतलब बासी भोजन कहा जाता है, उसको उसी के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो माँ शीतला के मंदिर के बगल में जो आप तालाब देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा तालाब है। माता के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले तालाब में स्नान करते हैं, और मान्यता है कि इस तालाब में नहाने के मुताबिक जो भी आपको रोग जलन चेचक जो भी बीमारी है वो आपका यहाँ से नहाने के बाद आपको राहत मिलती है उससे, उस बीमारी से। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, बाकी आप वीडियो का आगे इन्जॉय कीजिए, आगे और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है।
शीतला माँ का जो मंदिर है उसके बगल में मेरी मासी का घर है। और अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, भूख लगा था एक्चुअली, घूमते घूमते खूब इंजॉय किया। आखिर बाहर अच्छे से मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है बहुत जगह, तो माफ कीजिएगा अगर ज्यादा अच्छा से जगह आवाज दी सर, मैं वॉइस ओवर कर दूंगा उसका। तो आप तो अभी मेरे को बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ और फिलहाल मेरे को बहुत जोर से भूख लगी हुई है, तो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोग को बाहर जाके दिखाऊं आज, क्योंकि साल में एक बार ऐसा मौका आता है और आप लोग को मैं नहीं चाहता कि ये मौका मिस हो। तो आज मैं थोड़ी देर के बाद मैं सोचूंगा कि मैं फिर से बाहर निकलूं, अगर पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर तो कल है ही।